Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says the diameter of a cycle wheel is 28 cm. How many revolution will it make in moving 13.2 km? हमें revolution जो wheel के होंगे find out करने के कितने होंगे cycle की जो wheel है. तो find out कर लेते हैं. देखिए given information हमारे पास क्या है. Given information is that diameter of wheel, जो cycle का wheel है, is 28 centimeter and total जो distance covered की जा रही है, is 13.2 kilometer. Let's move on solution part. इसका solution देख लेते हैं. My dear students, first of all देखिए, see. हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वन रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो व्हील जो होगा हमारा. ठीक है, व्हील हमारी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है. देन यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वन रिवोल्यूशन में, दैट इज ये कितना होगा, इक्वल टू किसका होगा, 2πr के इक्वल होगा. यस, जो हमारी सर्किल की सर्कमफ्रेंस होगी लाइक दिस. ठीक है, यानी कि जो व्हील की सर्कमफ्रेंस होगी वो इक्वल किसके होगी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल. क्योंकि आप देख सकते हैं जो व्हील होता है वो किसकी तरह होता है, लाइक अ सर्कल. ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो सर्कल की तरह होती है. तो फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील, जो हमारा व्हील है साइकिल का, इन वन रिवोल्यूशन, कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक राउंड पूरा होने में, कंप्लीट राउंड, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. देखिए लेट्स सी, ये किसको इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा. ठीक है, देन यहां पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ पाई को हम ओपन कर देंगे, 22/7, और r हमारा क्या है, देखिए डायमीटर ऑफ व्हील हमें पता है, तो डेट इज डी इक्वल टू हमें पता है कितना, 28 सेंटीमीटर है. एंड जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है. एंड 28/2, इसकी ये हाफ होगी, देन ये कितनी हो जाएगी, 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर. ठीक है, जो रेडियस होगी व्हील की वो 14 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमें डायमीटर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 2 और 44 × 2, दैट इज ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर. यूनिट का आप ध्यान रखें, यहाँ पे कंपलसरी है यूनिट यहाँ पे लगाना, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वन रिवोल्यूशन में व्हील के द्वारा वो 88 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, अब देखिए जो हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जा रही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 13.2 किलोमीटर. क्लियर है. अब देखिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर को, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे किलोमीटर, तो हम किसी एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं. 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, इट्स 1000 मीटर. एंड 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. क्लियर है, इस यूनिट कन्वर्जेशन का हम यूज करेंगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं किस में, मीटर में. यस, एंड अगेन 13.2 × 1000 × अगर हम 100 से मल्टीप्लाई और कर दें, ये तो हमें मीटर में मिल जाएगा, देन इट्स विल बी इन सेंटीमीटर. यस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन वी गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज 132, एंड कितने जीरो आएंगे,
वन टू थ्री फोर, ठीक है, कितने सेंटीमीटर, टोटल 5 है, एक डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट क्या होगी हमारी, सेंटीमीटर होगी। ना अब हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बता दीजिए आप कितने हो जाएंगे, तो ठीक है हम बताते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील, ठीक है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर रहा है, कवर कर रहा है हमारी 132,000, ठीक है, 4 टाइम्स हमारे जीरो हैं, एंड 1 रिवोल्यूशन में हमारी कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज 88 सेंटीमीटर। देन अगर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो हम डिवाइड कर देंगे टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है और व्हील की, और उस किससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन बाय द व्हील। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे आ जाएंगे, दैट इज 1500, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। मीन्स ये कितने आ जाते, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे कितने आ जाएंगे, 15,000, ठीक है। तो जो व्हील के जो रिवोल्यूशन होंगे वो 15,000 होंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यस ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 15,000। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।